आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, जिसमें में पहला विकल्प दिया गया है मार्च, दूसरा दिया गया है मई, तीसरा दिया गया है जून, चौथा दिया गया है हमें दिसंबर। तो हम यहाँ देखते हैं तो मार्च में हमारे जो मार्च महीना है उसके अंदर हमारे दिनों की संख्या है वो 31 होती है। फिर हम बात करते हैं मई, तो मई महीने में हमारे दिनों की संख्या है वो 31 होती है। फिर हम बात करते हैं जून की, तो जून के महीने में जो दिनों की संख्या है वो हमारी 30 होती है। फिर हम बात करते हैं दिसंबर की, तो दिसंबर में हमारे जो दिनों की संख्या होती है वो हमारी 31 होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो मार्च महीना है, जो मई महीना है और जो दिसंबर महीना है, इन तीनों में हमारे जो दिनों की संख्या है वो 31 है। तो हमें तो इसमें से विषम शब्द चुनने हैं, तो इसका अर्थ है कि तीन हमारे एक समानता है, चौथा भिन्न है। तो हमारे मार्च, मई और दिसंबर में तो हमें समानता मिलेगी, क्योंकि इनके अंदर जो दिनों की संख्या है वो 31 है, जबकि हमारे जो जून महीना है उसमें हमारे दिनों की संख्या 30 है। तो हमारा जो भिन्न हो गया वो हो गया जून। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, जून। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।